हाय गाइस, आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं गार्लिक एग सैंडविच जो बनने वाला है मिंटो के अंदर। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर रेसिपी। और आज की रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी की तरफ। सो गाइस, सबसे पहले हमने प्याज को और टमाटर को और हरी मिर्ची को काट लिया है। अच्छे से धो के साफ इनको काट ले रहे हैं। और अंडे हमने 4 बॉईल करने अभी रख दिए हैं ताकि जब तक हम ये सब काम करेंगे अंडे हमारे बॉईल हो जाएंगे। हमने 4 अंडे बॉईल करने रखे हैं। और हाँ गाइस, मैं शाउट आउट के विनर भी अनाउंस कर रहा हूँ, नेम मतलब शाउट आउट का, तो आप ज़रूर वीडियो को पूरा देखिएगा। सो गाइस, सबसे पहले हमने यहाँ पे फ्राई पैन के अंदर 1 टेबल स्पून ऑयल ले लिया। उसके अंदर हमने सारी हमारी वेजीज को डाल दिया है। इसको थोड़ा सा हम सौते कर लेंगे, और ज़्यादा मत पकाइएगा वरना जल जाएगा, इसलिए सौते कर लीजिए, थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए थोड़ा सा। और इसको अच्छे से हमने सौते करके इसके अंदर हमने डाली है नमक और मिर्ची। ध्यान रखिए नमक आपको लास्ट में डालना है बिकॉज़ वो पानी छोड़ देगा, इसलिए पहले मिर्ची डालेंगे फिर मैगी मसाला, और लास्ट में हमने थोड़ा सा चुटकी भर नमक डाला था। और नमक हमने इस बार कम रखा है बिकॉज़ इस रेसिपी के अंदर चीज़ का भी यूज़ हम करेंगे तो उसके अंदर भी नमक होता है, तो नमक हमारा बैलेंस हो जाएगा। तो एज यू कैन सी हमारी स्टफिंग जो है मेन वो रेडी हो चुकी है। इसको अब हम एक प्लेट या फिर किसी चीज़ में निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पे एक प्लेट के अंदर इसको निकाल रहे हैं। एंड गाइस, आप सैंडविच बनाने के लिए नॉर्मल ब्रेड का यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पे गार्लिक ब्रेड का यूज़ करा है और एक ट्विस्ट डाला है रेसिपी के अंदर। हमने इसको घी के अंदर उसी फ्राई पैन में सेक लिया। आप चाहे तो इसको ग्रिल भी कर सकते हैं ग्रिल के अंदर, तो हमारे जैसे सेक भी सकते हैं। सो गाइस, ब्रेड अच्छे से सेक लिए है और मसाला रेडी हो चुका है, स्टफिंग रेडी हो चुकी है। तो हम स्टफिंग को हमने ब्रेड के ऊपर लगा दिया है, एज यू कैन सी। अब इसके ऊपर हमने मेयोनीज़ और पिज़्ज़ा टॉपिंग सॉस हमारे पास पड़ा हुआ था वो लगाया। आप तंदूरी सॉस भी लगा सकते हैं अगर आपके पास हो तो, ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। तो एज यू कैन सी हमने 4 ब्रेड के लगाया, हम 4 सैंडविच बना रहे हैं। और हमने यहाँ पे जो अंडे लिए थे 4 बॉईल करके, उस एक अंडे को हम एक सैंडविच पे रख रहे हैं। आप चाहे तो एक अंडे से 2 सैंडविच में भी कर सकते हैं, बट हमने सैंडविच को थोड़ा लोडेड बनाया बिल्कुल, तो इसलिए हमने एक पूरा एग डाला है बॉईल करके, हर एक मतलब सैंडविच में एक एग। एग लगाने के बाद हमने थोड़ी सी स्टफिंग बच गई थी तो हमने वो लगा दी, और वापस से हमने पिज़्ज़ा टॉपिंग सॉस एंड मेयोनीज लगा दिया है। अब इसके ऊपर हमने मैगी मसाला छिड़का। अगर आप नहीं चाहे तो नहीं डाल सकते, बट अगर डालोगे तो अच्छा लगेगा। सो गाइस, मैगी मसाला डालने के बाद हमने इसके ऊपर चीज़ को ग्रेट कर दिया है, और जो हमने कम नमक डाला था वो भी इसमें बैलेंस हो जाएगा बिकॉज चीज़ के अंदर नमक पहले से ही होता है। और आप इस चीज़ को स्किप मत करिएगा, आप ज़रूर डालिएगा, इससे टेस्ट और अच्छा आने वाला है। तो हम पहले चीज़ को अच्छे से इसके ऊपर ग्रेट कर लेते हैं, और हमने एक क्यूब से पूरे 4 सैंडविच पे चीज़ ग्रेट करी है। सो गाइस, चीज़ डालने के बाद हमने इसको ब्रेड लगा दिया और पैक कर दिया है, और एक प्लेट ट्रे के अंदर हमने इसको सर्व करा है। तो गाइस, ये दिखने में जितने अच्छे लग रहे उतने खाने में अच्छे थे, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट्स में आपको ये कैसे लगे। बहुत ही इंस्टेंट बनने वाली रेसिपी है और इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। सो गाइस, जब मैंने इसको टेस्ट करा मुझे ये बहुत टेस्टी लगा, और आप ही ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।